यहाँ पर आप इस गूगल कैमरे के साथ जो पिक्सल 6 प्रो जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है फोटो सैंपल को भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर SGCAM 8.4 वर्जन 43 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हमने XML फाइल प्लस लिप फाइल को इंपोर्ट किया है इस GCAM के साथ। एंड यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्रो मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर LDR मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस एक बार जो है ऑटो एड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। नाउ बात कर लेते किस तरह से इस गूगल कैमरा के साथ जो है XML फाइल एंड यहाँ पर लिप फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो GCAM है प्लस जो XML फाइल है प्लस जो लिप फाइल है, तीनों फाइल का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से तीनों फाइल को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको इस GCAM को इंस्टॉल करना होगा। इस GCAM को इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब इस GCAM को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है मोड सेटिंग्स में जाना होगा। मोड सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है एडिशनल सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में टैप करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस सेव सेटिंग्स में टैप करना होगा। उसके बाद इस ऑप्शन में टैप करने के बाद ओके में टैप कर देना होगा। ओके में टैप करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद अपने जिस भी फोल्डर में XML फाइल एंड लिप फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है XML फाइल एंड लिप फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है XML फाइल एंड लिप फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है 64 मेगापिक्सल प्लस 108 मेगापिक्सल के लिए अलग अलग जो है XML फाइल देने को मिलेगा। तो आपके हिसाब से जो है आपके डिवाइस को जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उसके हिसाब से आप जो है XML फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली XML फाइल एंड लिप फाइल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद थ्री डॉट में टैप करने के बाद जो कॉपी और मूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो है कॉपी में सिलेक्ट करके इंटरनल स्टोरेज में जाके यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस GCAM करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है XML में जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर जो है सिंपली सभी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है जो SGCAM करके जो फोल्डर रहेगा इस फोल्डर में जाके उसके बाद जो है यहाँ पर XML करके जो फोल्डर रहेगा इसमें जो है पेस्ट कर देना होगा। नाउ यहाँ पर जो लिप फाइल है उसे आपको फिर से जो है सिलेक्ट करना होगा। लिप फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी और मूव कर सकते हो। यहाँ पर मूव करके इंटरनल स्टोरेज में जाके SGCAM करके जो फोल्डर रहेगा इस फोल्डर में जाके उसके बाद जो है लिप करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है XML फाइल को XML फोल्डर के ऊपर पेस्ट करना होगा एंड लिप फाइल को लिप फोल्डर के ऊपर पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा, GCAM को फिर से ओपन करना होगा। गूगल कैमरा को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से पर यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर एरो में टैप करना होगा। एरो में टैप करने के बाद आपको दो ऑप्शन देने को मिलेगा। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है तो आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है तो आपको यहाँ पर 64 का जो XML फाइल उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 10 Pro डिवाइस एंड इसमें हमें जो 64 मेगापिक्सल का जो है कैमरा सेंसर देने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर का जो XML फाइल है उसे सिलेक्ट करने के बाद जो है इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। इसमें टैप करते आपके डिवाइस के ऊपर जो ये जो XML फाइल जो है इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इस XML फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है इससे भी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर जो फीचर्स के बारे में इस XML फाइल के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल प्लस 108 मेगापिक्सल का जो मोड है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है बाय डिफॉल्ट एंड यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा और भी बढ़िया तरीके से इस अपडेट के साथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर जो फोटो सैंपल के बारे में, तो हमने यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ जो कुछ
फोटो को क्लिक किया है, देखते किस तरह से मुझे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ, इस एक्सएमएल फाइल के साथ। देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। एंड यहाँ पर जो एचडीआर मोड है, एचडीआर एनहांस मोड है, काफी बड़े तरीके से काम कर जाएगा। काफी हद तक आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस को एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो मैक्रो लेंस है उसके साथ भी यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। देखिए पर काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो काफी हद तक डीएसएलआर जैसा फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस जो ब्लर है काफी बढ़िया है, प्लस जो फोकस है काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, नेचुरल लुकिंग कलर देने को मिलता है। काफी हद तक जो आपको यहाँ पर बढ़िया कलर देने को मिल जाएगा एंड वाइब्रेंट कलर देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर शेडो एंड कलर के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। प्लस जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है, नाइट साइड मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड कैमरा के साथ भी यूज कर सकते हो। एंड काफी हद तक आपको एक्यूरेट कलर देने को मिलता है। यहाँ पर जो काफी कम नॉइज देने को मिल गया है, लेस नॉइज देने को मिलता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, मेन लेंस हो जाए, अल्ट्रावाइड लेंस हो जाए, बेसिकली यहाँ पर जो मैक्रो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस का जो यहाँ पर लेस नॉइज देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बेटर कलर विद बेटर रीडिंग देने को मिलता है, फोटो के साथ जो कम नॉइज देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बढ़िया है। आपको यहाँ पर जो है काफी हद तक बैलेंस कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस सैचुरेशन देने को मिलता है। एंड इस जीकेएम का एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो। इस जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस जीकेएम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड कुछ इस तरह से इस जीकेएम के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा काफी बढ़िया है, देख सकते हो। हमने यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है एंड यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिन का इशू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, सभी के साथ आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। बाकी आपको फोटो क्वालिटी कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। काफी हद तक जो है डीएसएलआर जैसा फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, पिक्सल 6 प्रो जैसा फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, इन्हें भी आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर जो ईआईएस ओएस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड यहाँ पर जो है टॉप शॉट का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, एचडीआर मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइमर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नाइट साइड मोड के ऊपर जो एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो, नियर, फार, इन्फिनिटी, इस तरह से बढ़ जाए मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस यहाँ पर जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ पर जो एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अगर आप गोल कैमरा के साथ जो है 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं पर जो सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है सेफ लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोअलनेस का सजेशन है ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है रॉ फोटोज का ऑप्शन है, एचईवीसी फॉर्मेट के साथ जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, टाइमर लाइट का ऑप्शन है, कैमरा टू एपीएस सेटिंग्स का ऑप्शन है, डिवाइस इंटरफेस के ऊपर जो है पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का जो कैमरा यूजर इंटरफेस आप एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस इधर जो है डिवाइस सिलेक्शन फॉर एचडीआर मोड का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का ऑप्शन है, रॉ सेटिंग्स का ऑप्शन है, अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, पर जो है वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन के साथ जो है कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस प्लस शेडो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो, सेफ सेल्फीज प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, पर ओआईएस ईआईएस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। यहाँ पर एचडीआर मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, अगर आप एचडीआर मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो फोटो क्लिक होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया
क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, मैक्रो लेंस, जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लिप पैचर का ऑप्शन है, लिप पैचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा। लिप पैचर के साथ जो लूमा क्रोमा सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ऐसे भी आप जो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल फोकस सेटिंग्स के ऊपर जो है ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, व्यू फाइंडर बटन्स का ऑप्शन है, अलग अलग बटन्स को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो वाइड बैलेंस बटन, एलडीआर बटन, आईएसओ स्लाइडर, लिप पैचर, अपर्चर बटन, सैचुरेशन स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एस्ट्रो टाइम स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर मोशन फोटोज जीपीजी क्वालिटी का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, डिजिबल हेक्स या पर डिजिबल हेक्सागन डीएसपी का ऑप्शन है, एचडीआर रॉ फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।